ब्लॉक चेयरमैन, पूर्व सरपंच, ब्लॉक समिति के चेयरमैन और पूर्व सरपंच विक्रम चीमा जी आज आम आदमी पार्टी परिवार के अंदर शामिल हो रहे हैं। मैं इनका हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री बलबीर सिंह जी सैनी, जो हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, वो भी इस प्रेसवार्ता में हमारे साथ हैं। हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय प्रत्याशी और राज्यसभा में हमारे मित्र सुशील गुप्ता जी, हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग डांडा जी और हमारे जिले के प्रधान, आज इस प्रेसवार्ता में हम आपसे कुछ बात करने के लिए आए हैं। लोकसभा के प्रधान भी, लोकसभा के भी हमारे प्रधान जी हैं। साथियों, देश एक भयंकर तानाशाही के दौर से गुजर रहा है और आपके ही हरियाणा से यहां का एक लाल निकला, जिसने आईआरटी की पढ़ाई की, आईआरएस की नौकरी को लात मारकर देश सेवा का संकल्प लिया। दिल्ली की जनता ने उसको एक बार नहीं, तीन बार मुख्यमंत्री बनाया। उस हरियाणा के लाल अरविंद केजरीवाल को तीन बार मुख्यमंत्री बनाया दिल्ली के लोगों ने, और सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में अपने काम से अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया कि सरकार ऐसे चलाई जाती है। जहां मकड़ी के जाले लगे रहते थे सरकारी स्कूलों में, आज वहां दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एयर कंडीशन कमरे बने हुए हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए, एथलीट के ग्राउंड, हॉकी के ग्राउंड बने हुए हैं। मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल दिया उस व्यक्ति ने, फरिश्ते स्कीम लेके आए, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा कराई, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री की, 1,000 रुपए महीने आर्थिक सहायता की योजना लेके आए। इतना ही नहीं, बिजली फ्री और पानी फ्री का सपना देश के पहले मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी, जिन्होंने सच करके दिखाया। हरियाणा के उस लाल का गुनाह क्या है कि वो लोगों के लिए सोचता है, लोगों के लिए काम करता है। आपने पकड़ के उनको जेल में डाल दिया, तीन बार के मुख्यमंत्री को पकड़ के जेल में डाल दिया, ये तानाशाही नहीं तो और क्या है? आज पूरे देश के लोगों में इस बात को लेकर गुस्सा है कि जो व्यक्ति शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी पे काम कर रहा था, उसको प्रधानमंत्री जी ने पकड़ के जेल में डाल दिया, बीजेपी ने पकड़ के जेल में डाल दिया। अभी राजस्थान का चुनाव हुआ, व्यापारी समाज के लोगों ने संकल्प लेकर कहा कि हमारे समाज का एक ही व्यक्ति था जो मुख्यमंत्री थे दिल्ली के, उनको भी पकड़ के जेल में डाला। लोग या तो वोट डालने नहीं गए, और गए डालने तो इंडिया गठबंधन को वोट दिया। आज सुशील गुप्ता जी के पक्ष में कुरुक्षेत्र के अंदर जाति धर्म की सारी बाधाएं टूट गई हैं, हर वर्ग के लोग इनको वोट कर रहे हैं। और उसकी प्रमुख वजह यह है कि जिस पार्टी की ये नुमाइंदगी कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी, इनके परिवार के मुखिया को, हमारे परिवार के मुखिया को तानाशाह सरकार ने जेल में डाला है। और पूरे देश में एक ही बात चल रही है, जेल का जवाब वोट से देंगे। लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत कुरुक्षेत्र के लोगों, आपके पास वोट की ताकत है। और कुरुक्षेत्र तो वैसे भी धर्म युद्ध में कृष्ण के साथ खड़ा रहा, पांडवों के साथ खड़ा रहा, न्याय के साथ खड़ा रहा, अधर्म के खिलाफ धर्म के साथ खड़ा रहा। आज धर्म की लड़ाई के साथ केजरीवाल जी हैं, आम आदमी पार्टी है, सुशील गुप्ता जी हैं। मैं निवेदन और विनती करने के लिए आया हूं कि इनको यहां से जिताइए। दूसरी सबसे बड़ी बात, हमारे 750 किसानों ने अपनी शहादत दी, जिसमें पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान, राजस्थान के किसान,
यहाँ तक कि तमिलनाडु, गुजरात, दूसरे राज्यों के भी किसानों ने, बिहार के किसानों ने अपनी शहादत दी। क्यों दी? एक काला कानून लेके आए। और सुशील गुप्ता जी उस समय हमारे साथ थे, पंजाब के मुख्यमंत्री ने, सुशील गुप्ता जी ने, हम लोगों ने प्रधानमंत्री के सामने विरोध किया था, नारे लगाए थे, वो आज भी होगा मौजूद, देख लीजिएगा आप। तो हमने अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया है। आज उन 750 किसानों की शहादत का बदला हरियाणा के लोगों को लेना है, इंडिया के गठबंधन को जिताना है, किसी फर्जी नारे के चक्कर में नहीं पड़ना। हरियाणा के नौजवानों के पीठ में छुरा मारा गया अग्निवीर योजना लाके। यहां का नौजवान सुबह 4 बजे उठ के परिश्रम करेगा, भारत माता की रक्षा के लिए अपने को तैयार करेगा, सेना में उसको भर्ती नहीं मिलेगी, 4 साल की भर्ती मिलेगी अग्निवीर के नाम पे। बाप नौकरी कर रहा है, बेटा रिटायर हो गया, यह योजना है अग्निवीर। 17 साल में जवान बनो, 21 साल में रिटायर हो जाओ। -45 डिग्री टेम्परेचर में हरियाणा का, पंजाब का जवान, हमारे गरीब के घर के किसान का जवान, वो जाके भारत माता की रक्षा करेगा। +50 डिग्री टेम्परेचर में जैसलमेर में रक्षा करेगा, सियाचिन में रक्षा करेगा। और जिसको क्रिकेट का बल्ला पकड़ना नहीं आता, अमित शाह का बेटा, वो BCCI का चेयरमैन बनेगा। आज आप नकली बातें करते हैं, चुनाव आता है तो रिपोर्ट कार्ड लेके नहीं जाते प्रधानमंत्री जी, 10 साल में आपने क्या किया वो नहीं बताते। आप ये नहीं बताते कि 2 करोड़ नौकरी का क्या हुआ, 40 रुपए में डीजल बेच रहे थे आप, 50 रुपए में पेट्रोल बेच रहे थे, क्या हुआ उसका? आपने कहा था 400 रुपए का गैस सिलेंडर है, बहुत महंगा है, इसको देख के वोट देने जाना, अब तो 1200 का हो गया सिलेंडर, महंगाई आसमान पे पहुंचा दी आपने। सब्जियां महंगी हुई आपके राज में, सरसों का तेल महंगा हुआ आपके राज में, चीनी महंगी हुई आपके राज में, पेट्रोल महंगा हुआ आपके राज में, डीजल महंगा हुआ आपके राज, आदमी की जिंदगी को नरक बना दिया आपने। नोटबंदी करके पूरे देश को लाइन में खड़ा कर दिया, कोरोना में लोगों की जान जाती रही, आप कहते रहे ताली बजाओ थाली बजाओ ताली बजाओ थाली बजाओ, अभी उसका भी सच सामने आया। इंजेक्शन बनाने वाली, वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से तो आपने चंदा खाया है, लोगों की जान गई है। तो किस मुद्दे पे आप सच साबित हुए प्रधानमंत्री जी? आपने कहा था किसानों की आमदनी दोगुना करेंगे, वो आपने किया नहीं, रोजगार आपने दिया नहीं, महंगाई आपने कम नहीं की। 15 लाख आज भी लोग खोजते हैं, बैंकों में जाके नौजवान पूछता है भैया 15 लाख आया, बोले कौन सा 15 लाख, न काला धन का पता है। रोज जाके लोग पूछते हैं बुलेट ट्रेन कहां से कहां तक चल रही है, सारी चीजों में झूठ। तो मोदी जी की एक ही गारंटी है, झूठ की गारंटी। और दूसरी बात, इलेक्टोरल बॉन्ड का जो भ्रष्टाचार सामने आया है, वो हिंदुस्तान की आजादी के बाद सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। खुलेआम हफ्ता वसूली, खुलेआम भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी ने किया है। पहले पैसा लिया फिर ठेका दिया, पहले पैसा लिया फिर ठेका दिया, पहले ईडी का छापा मराया फिर पैसा लिया, पहले CBI का छापा मरवाया फिर पैसा लिया। तो ये काम किया है, 3,08,000 करोड़ रुपए का ठेका अलग अलग कंपनियों को दिया गया है और उनसे चंदा लिया गया है, रिश्वत ली गई है, चंदा क्या। दिल्ली में तो शराब घोटाला करने वाले शरद रेड्डी से 60 करोड़ रुपए का चंदा लिया बीजेपी वालों ने। इसलिए भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी बोलती है तो लगता है ओसामा बिन लादेन और डाकू गब्बर सिंह अहिंसा पे उपदेश दे रहे हैं। पूरे देश के भ्रष्टाचारियों को मोदी वॉशिंग मशीन से धुल के आप साफ कर देते हैं, चाहे अजीत पवार हो, छगन भुजबल हो, हसन मुशरिफ हो, नारायण राणे हो, अशोक चौहान हो, हेमंत विश्व शर्मा हो, पूरे देश के भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। तो मोदी जी की एक ही गारंटी है, झूठ बोलने की गारंटी। और 400 पार के नारे के चक्कर में बिल्कुल मत फंसिएगा, ये एक जुमला है, इसके अलावा कुछ नहीं। मैं याद दिला के अपनी बात खत्म करूंगा। बंगाल में गए मोदी जी, कहने लगे 200 पार, 200 पार, 200 पार, आई 73 सीट। झारखंड में गए, कहने लगे 65 पार, 65 पार, 65 पार, आई 23 सीट। दिल्ली में आए, कहने लगे 45 पार, 45 पार, 45 पार, आई 8 सीट। कर्नाटक में गए, कहने लगे 130 पार, 130 पार, 130 पार, आई 65 सीट। हरियाणा में आए, कहने लगे 75 पार, 75 पार, 75 पार, आई 40 सीट। महाराष्ट्र में गए, कहने लगे 150 पार, 150 पार, 150 पार, आई 105 सीट।
मिजोरम में गए, कहने लगे 21 पार 21 पार 21 पार, आई एक सीट। अब कह रहे 400 पार 400 पार 400 पार, जनता करिए तड़ी पार तड़ी पार तड़ी पार, इनको देश की जनता तड़ी पार करेगी। 300 से ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन की आने जा रही हैं, और 4 हमारे प्रमुख वादे हैं जो हरियाणा के लोगों से, कुरुक्षेत्र के लोगों से करने के लिए आया हूं, और ये मैं अरविंद केजरीवाल के भरोसे करने आया हूं। और आप जानते हैं अरविंद केजरीवाल ने जो कह दिया उसको करके दिखाते हैं। वादे से ज्यादा काम हिंदुस्तान में कौन करके दिखाता है? अरविंद केजरीवाल। अपने घोषणा पत्र से ज्यादा काम कौन करके दिखाता है? अरविंद केजरीवाल। उन्होंने संदेशा भेजा है, कुरुक्षेत्र के लोगों से कहने आया हूं, जिस दिन इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी पूरे देश में 200 यूनिट बिजली फ्री होगी, पूरे देश में 200 यूनिट बिजली फ्री होगी। अरविंद केजरीवाल का वादा है नौजवानों को रोजगार देंगे, जब तक रोजगार नहीं मिलता 1,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता नौजवानों को दिया जाएगा, माताओं बहनों के लिए 1,000 रुपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जाएगी, किसानों को आज किसान सम्मान निधि के नाम पर बेवकूफ बनाने का काम किया जाता है, 1,000 रुपये आर्थिक सहायता किसानों को प्रतिमाह दी जाएगी। ये 4 प्रमुख बातें हैं जो हम देश के लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो केजरीवाल जी इन वादों को पूरा कराने का काम करेंगे। अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य और किसानों को MSP, ये सारी बातें हैं जो हम जनता से गारंटी के तौर पर कह रहे हैं। MSP स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक, यानी कि फसल के दाम पर 50% मुनाफा, ये हमारा संकल्प है जिसको हम लोग पूरा करेंगे। मुझे इतनी बात कहनी थी, आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। देखिए, उन्होंने, और ये बात हम लोग पहले भी उठा चुके हैं, जिस व्यक्ति ने दिल्ली के लोगों के लिए दवा का इंतजाम किया, फरिश्ते स्कीम जैसे स्कीम लेके आए, उनको 23 दिन तक इंसुलिन नहीं दी गई, उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया गया, जब हम कोर्ट गए तब उनको इंसुलिन मिलती है, दवा मिलती है, जेल में उनके साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है, शीशे की दीवार खड़ी करके पत्नी से मुलाकात हो पाती है, पंजाब के मुख्यमंत्री से मुलाकात हो पाती है, मंत्री की मुलाकात कैंसिल हो जाती है, मेरी मुलाकात कैंसिल हो जाती है, संदीप पाठक की मुलाकात कैंसिल हो जाती है, पत्नी की मुलाकात भी कैंसिल कर दी थी, कल जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आप लोगों ने उठाया मीडिया में, तब जाके पत्नी को मुलाकात की इजाज़त मिली। आप इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, क्या दोष है भाई केजरीवाल का? इसलिए कि उस आदमी ने तय कर लिया हमें बच्चों को शिक्षा देनी है, यही गुनाह है उनका, इस तरीके से आप परेशान करेंगे। आज जो घटना हुई है कर्नाटक में, पूरा देश स्तब्ध है। प्रज्वल रमन्ना, बताइए, सैकड़ों महिलाओं के साथ दरिंदगी और बलात्कार करता है, उनके मंगलसूत्र नोचने का काम करता है, कहां है प्रधानमंत्री जी? एक राक्षस को बचाने के लिए क्यों लगे हुए हैं? क्यों उसको भगा दिया? महिलाओं का मंगलसूत्र नोचने वाले रमन्ना को बचाने का काम प्रधानमंत्री करते हैं, उस पर एक शब्द उनके मुंह से आवाज नहीं निकली अब तक। उनकी पार्टी के लोगों ने चिट्ठी लिख के कहा था इस दरिंदे को टिकट मत देना, आज वो चिट्ठियां भी सामने आ गई हैं, और आपने ऐसे आदमी को टिकट दे दिया जिसके 2,976 वीडियो एक पेन ड्राइव में निकल के आए हैं, 200 से ज्यादा महिलाओं का उसने मंगलसूत्र नोचने का काम और उनकी इज्जत को तार तार करने का काम, दरिंदगी करने का काम किया है। ये पार्टी है, ये हरियाणा के बेटियों को घसीट घसीट के मारा गया, जो हमारा राष्ट्रीय स्वाभिमान है। तो आज हरियाणा के लोगों से मैं अपील करने के लिए आया हूं, बदला लेना अपने वोट की ताकत से, आपके एक बेटे को जेल में डाला गया है इसलिए, बदला लेना अपने वोट की ताकत से, 750 किसानों की शहादत हुई है इसलिए, बदला लेना अपने वोट की ताकत से, आपकी बेटियों को दिल्ली की सड़कों पर घसीट घसीट के मारा गया है, उनको न्याय नहीं दिया गया इसलिए, बदला लेना अपने वोट की ताकत से, महंगाई के सवाल पर, बेरोजगारी के सवाल पर, अग्निवीर के सवाल पर, हरियाणा को बचाने के सवाल पे। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, इंडिया गठबंधन 300 से ज्यादा सीटें जीतने जा रही है, और मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी चुनाव बुरी तरीके से हारने जा रही है। कोविड शील्ड के नतीजे अब आए हैं, उसके अंदर दिखाया गया कि कितना असर कर रही है वो, हार्ट अटैक हो रहा है, अगर शोर सुन रहे हैं, आज ही बताया था।
देखिए ये बहुत चौंकाने वाला सच है, मैंने भी वो खबर पढ़ी। आप बताइए 30 साल 32 साल 25 साल का नौजवान चल रहा है, रास्ते में गिर जाता है, ख़त्म हो जाता है, डांस कर रहा है शादी में ख़त्म हो जाता है, एक्सरसाइज कर रहा है ख़त्म हो जाता है। ये एक घटना नहीं, अनेक घटनाएं हुई ना पूरे देश भर में। यूनियन कार्बाइड से भोपाल गैस में जिन लोगों की मौत हुई थी, आज तक उनके परिवारों का खर्चा वो कंपनी उठा रही है। आज जिन लोगों की मौत हो रही है कोविड सील के कारण, और खुद ये तथ्य सामने आ गया है, मैं समझता हूं उनके परिवार में हुई मौत का मुआवजा उन कंपनियों से वसूला जाना चाहिए, और उनके परिवार की जितनी भी लायबिलिटी है, जितना भी खर्चा है, वो कंपनियों के ऊपर उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। और दूसरी बात, ये आपराधिक कृत्य है, इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए कि कौन से लोग इसके पीछे शामिल हैं, और उनके विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज करके कंपनी के मालिकों के खिलाफ और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपने कहा है कि 300 सीटों के साथ इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, फिर कॉमनवेल्थ घोटाला ना हो, आदर्श घोटाला ना हो, कोयला घोटाला ना हो, और फिर अरविंद केजरीवाल या संजय सिंह जैसे आदमी को फिर आंदोलन के लिए ना बैठना पड़े, इसके लिए आम आदमी पार्टी क्या करेगी, कैसे रोक लगाएगी? क्योंकि आपको आपका भी अनुभव है कि कैसे पहले घोटाले हुए हैं। देखिए बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन जिन लोगों के घोटालों का आप जिक्र कर रहे हैं, पूरे देश में चुन चुन के सबको बीजेपी के साथ मिला लिया गया है। पूरे देश में जनार्दन रेड्डी माइनिंग घोटाले का इतना बड़ा घोटालेबाज, आदर्श सोसाइटी का घोटालेबाज अशोक चौहान, सबको मिला लिया गया। सारे लोग अब बीजेपी में चले गए, बीजेपी के साथ मिल गए, वो चाहे सिंधे हों, अजीत पवार हों, नारायण राणे हों। हम तो ये कहते हैं देश के अंदर निष्पक्षता से जांच कीजिए। आम आदमी पार्टी तो वो पार्टी है जिसने अपने मंत्री को गिरफ्तार करवा लिया, इससे बड़ा हम अपनी ईमानदारी का उदाहरण क्या दें? वो चाहे अरविंद केजरीवाल के मंत्री हो या भगवंत मान के मंत्री हो, जहां कहीं भी गलत हमने देखा, हमने कार्रवाई करने में एक मिनट देरी नहीं लगाई। लेकिन क्या मोदी जी की मंशा भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करने की है? भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करने की मंशा होती तो जिन लोगों को शामिल किया, जिनको कहते थे चक्की पिसिंग पिसिंग पिसिंग, अजीत पवार दादा पिसिंग पिसिंग पिसिंग, उसको मिक्सिंग मिक्सिंग कर लिया। तो इसलिए आम आदमी पार्टी प्रतिबद्ध है, हम लोग ईमानदारी से काम करते हैं और करते रहेंगे। कोयला चोर को टिकट दे रखी है, हरियाणा में गठबंधन, चंडीगढ़ में, और कोयला घोटाले की जहां तक बात है तो आपके यहां तो दे ही रखा टिकट। भाई कोयला घोटाले का आरोप जिस व्यक्ति पे लगाया, बीजेपी वालों ने चिल्ला चिल्ला के लगाया, उनको टिकट दे रखा है। और बीजेपी से कोई टिकट कैसे ले सकता है हरियाणा पंजाब के अंदर? हरियाणा पंजाब कम से कम दो राज्य में तो बीजेपी का टिकट ही नहीं लेना चाहिए, जिन्होंने आपके भाइयों की गोलियों से भून के हत्या की, उनके ऊपर पानी की बौछारें करवाई, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े, आप उस पार्टी से टिकट ले रहे हैं? या तो टिकट ही नहीं लेना चाहिए बीजेपी से। जी बिल्कुल खड़ी है, और अभी नामांकन के दिन भी जो कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और उनके अध्यक्ष दोनों सुशील गुप्ता जी के साथ रहेंगे, हुड्डा साहब और अध्यक्ष। जब भी उनके नेता हमारे कार्यक्रमों में शामिल होंगे, हम इस्तेमाल करेंगे उनके उनके उनके, मैंने बताया तो नामांकन में आएंगे ना। पार्टी कहती है 370 हम वापस लेके आएंगे, वही कहती है पर्सनल लॉ लेके आएंगे, तो उसमें आप लोगों का क्या रुख?
देखिए, पहली बात तो आपका सबसे महत्वपूर्ण सवाल था कि इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री कौन होगा। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, सर्वसम्मति से इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री बनेगा, उसमें कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन जो भी प्रधानमंत्री बनेगा वो ना तो नाली के गैस से चाय बनवाएगा और ना ही कोरोना ताली बजा के और थाली बजा के ठीक करेगा। मैं इतना आपको विश्वास दिलाता हूं, एक सुयोग्य व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। अलग अलग घोषणा पत्र पार्टियां जारी करती हैं, लेकिन उन पार्टियों की जो प्राथमिकताएं होती हैं, आपको याद होगा सुनीता केजरीवाल जी ने, केजरीवाल जी का संदेश इंडिया गठबंधन के नेताओं के सामने रामलीला के मैदान में पढ़ा था और उनसे सहमति हासिल की थी। तो एक औपचारिक तौर पे उसकी घोषणा जब होनी होगी सरकार बनने के बाद, उसको जल्द कराएंगे, लेकिन एक सहमति लोगों के बीच में हम लोगों ने इस मुद्दे पर बनाने का प्रयास किया है। निश्चित रूप से वो तो एक निश्चित कार्यक्रम तो सामने रखना ही पड़ेगा। हम पंजाब में बीजेपी को स्पेस क्यों देंगे, जहां बीजेपी है ही नहीं है, जहां बीजेपी नहीं है वहां हम बीजेपी को क्यों जिंदा करें। इसलिए वहां हम लड़ रहे हैं आपस में। आपका कोई प्रश्न छूट गया था जी। देखिए, अभी लोकसभा चुनाव है, अभी इस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, विधानसभा का चुनाव आएगा तो उस समय उचित फैसला हम लोग लेंगे। देखिए, शराब घोटाला उस राज्य में हुआ जहां 27 साल से शराबबंदी है, गुजरात, और 100 लोगों की जान चली गई। जिस राज्य में शराबबंदी है वहां नकली शराब से 100 लोगों की जान गई। मैंने पार्लियामेंट में सवाल उठाया था, मुझे सस्पेंड करके बाहर कर दिया। आपका राज्य भी है जहां पे एक बार शराबबंदी हुई थी और अब इन्होंने सारे कीर्तिमान पार कर दिए हैं। शराब के मामले में हरियाणा ने 52 लोगों की तो जान गई, इसके अलावा सारे कीर्तिमान पार कर दिए। मैंने तो बताया था जिलेवार के कितने ठेके किस जिले के अंदर है। शराब घोटाला दिल्ली में आपने देखा ही होगा, 60 करोड़ रुपए किंगपिन, जिसको ईडी ने बताया, हमने नहीं, शरद रेड्डी को कहा किंगपिन है, मुख्य घोटालेबाज है, उससे 60 करोड़ का खुला चंदा बीजेपी ने लिया है, रिश्वत ली है। तो अगर मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं जांच कराएंगे तो कार्रवाई करके दिखाएं, सारी ताकत इनके पास है, डबल इंजन की सरकार है यहाँ। तो देखिए, SIT जो है वो एक ठंडा बस्ता योजना है। किसी भी मामले को अगर ठंडे बस्ते में डालना हो तो आप उसकी SIT बना दीजिए। यही काम उत्तर प्रदेश में होता है, यही काम केंद्र की सरकार करती है और यही काम हरियाणा में हो रहा है। भाई, आपको कार्रवाई करनी है, त्वरित कार्रवाई कीजिए, पता चलेगा। यह एक मंत्री के ऊपर आरोप लगाया, हमारी पार्टी के नेताओं ने उस पर आंदोलन भी किया, किसी को घसीटा गया, किसी को मारा गया, किसी पे मुकदमे लिखा गया, मंत्री पे कार्रवाई आप नहीं करते, जबकि लोगों ने सामने आके यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया, खिलाड़ी ने आरोप लगाया, नहीं किया कार्रवाई आपने। तो इसलिए मैं यही कह रहा हूं ना, कथनी और करनी का भेद। मंगलसूत्र पे बोल तो रहे थे प्रधानमंत्री जी, 200 महिलाओं के मंगलसूत्र नोचा है एक राक्षस ने, उस पर कुछ नहीं बोल रहे, खामोश है। तीन चीज देखिए याद रखिए, और ये मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूं, जिम्मेदारी से कह रहा हूं। गलती से अगर बीजेपी जीत गई, देश का ये अंतिम चुनाव होगा, चुनाव खत्म होगा नंबर एक, आरक्षण खत्म होगा नंबर दो, संविधान खत्म होगा नंबर तीन। और ये प्रामाणिक तौर पे मैं कह रहा हूं, एक मिनट में सुनिएगा। भागवत जी ने कहा आरक्षण खत्म होना चाहिए, मोहन वैद्य जो इनके संयुक्त महासचिव हैं RSS के, उन्होंने कहा आरक्षण जो है वो अलगाववाद को जन्म देगा, इसके वीडियो मेरे पास है, कहेंगे तो मैं दे दूंगा। तीसरा, इनके एक पूर्व केंद्रीय मंत्री अनंत हेगड़े ने कहा 400 सीट दे दो, संविधान बदलना है।
लल्लू सिंह अयोध्या के प्रत्याशी कह रहे हैं 400 सीट दे दो संविधान बदलना है। ज्योति मिर्धा राजस्थान की प्रत्याशी कह रही 400 सीट दे दो संविधान बदलना है। और जो सीधे तौर पर मोदी जी के प्रत्याशी थे अरुण गोविल, वो भी कह रहे हैं 400 सीट दे दो संविधान बदलना है। तो आपको संविधान क्यों बदलना है भाई? पूरे भारत में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान चलता है, भाजपा में भागवत जी का संविधान चलता है। भागवत जी का संविधान कहता है आरक्षण खत्म होना चाहिए। दूसरी बात, आपने खुद अभी यहां पर बताई चुनाव खत्म करने की, मध्य प्रदेश में क्या किया, जोड़ तोड़ करके सरकार बनाई, कर्नाटक में जोड़ तोड़ करके सरकार बनाई, महाराष्ट्र में जोड़ तोड़ करके सरकार बनाई, अरुणाचल में जोड़ तोड़ करके सरकार बनाई, उत्तराखंड में जोड़ तोड़ करके सरकार बनाई, गोवा में जोड़ तोड़ करके सरकार बनाई। पूरे देश में सरकारों को ऑपरेशन लोटस के जरिए गिराते हैं, तोड़ते हैं, बनाते हैं, चुनाव खत्म कर रहे हैं। सूरत में उसकी शुरुआत हो गई, बगैर चुनाव के बीजेपी वाला जीत गया। अरुणाचल में 10 विधायक बगैर चुनाव के जीत गए। दिल्ली में मेयर का चुनाव इन्होंने कैंसिल कर दिया। अब पूरे देश में चुनाव को खत्म करेंगे। अभी देखा आपने इंदौर में कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को उठाकर उसका अपहरण कर लिया, अपहरण हो जा रहा है कैंडिडेट का। ये तो गुप्ता जी के साथ बहुत सारे लोग चलते हैं कार्यकर्ता हमारे, नहीं तो पता चला इनका भी अपहरण कर ले, इनका भी अपहरण कर ले। ये तो अपहरण करता गैंग है भाई, इनसे सावधान रहना पड़ेगा। देखिए ईवीएम पे जो आपने सवाल पूछा, जो भी जहां शिकायत मिले उसका संज्ञान ले चुनाव आयोग और उसको दूर करे। आप ईवीएम की शिकायतों को नजरअंदाज नहीं कर सकते, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं। ईवीएम की जो शिकायत जहां पर मिले उस पर आप कार्रवाई कीजिए। आपका प्रश्न, बस वही चीजें लोगों को याद है, अपने 750 किसान भाइयों की मौत लोगों को याद है, अग्निवीरों के साथ जो नौजवानों के साथ पीठ में छुरा मारा गया वो याद है लोगों को, और वो भूल नहीं पा रहे लोग, वो गुस्सा बार बार निकल के सामने आता है।